रीवा जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रधर सिंह ने बीजेपी पर बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने महंगाई को लेकर कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार असफल है। मोदी सरकार चुनाव के दौरान लोक लुभावने वादे कर सरकार में आ जाती है और फिर उन वादों को पूरा नहीं करते। कांग्रेस नेता चक्रधर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह ने। नमस्कार, एजीएम भारत में स्वागत है। आज हमारे साथ सिरमौर विधानसभा के लोकप्रिय चेहरा कांग्रेस से चक्रधर सिंह जवा हमारे साथ है। न केवल सिरमौर बल्कि रीवा जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। आपका एजीएम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और देखा जाए कि भाजपा में जिस तरह से महंगाई चरम पर है, भाजपा की सरकार में बिजली के बिल दाम अधिक हैं, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, यहाँ तक कहा जाए क्रिकेट की भाषा में 200 में नॉट आउट है, सरसों का तेल, ये सारे मुद्दे हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, आप लोग क्या स्टैंड अपना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हित में और इस भ्रष्ट भाजपा सरकार के खिलाफ जनहित में हमेशा खासकर महंगाई और बिजली के मुद्दे में आंदोलन प्रदर्शन कर इस सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करती है। रही बात महंगाई की, महंगाई तो पूरे देश का इतना बड़ा मुद्दा है कि मोदी सरकार पूरी तरह से असफल है। एक समय था जब मोदी जी नौकरी का वादा करते थे, हम इतने बेरोजगारों को नौकरी देंगे, कितनी झूठी बातें वो चुनाव के समय की, लेकिन एक भी बातों पे अमल नहीं। अब रही बात बिजली की, इस विषय में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अघोषित बिजली कटौती, जले हुए ट्रांसफार्मर और जहाँ बिजली नहीं वहाँ भी बिल जैसी अनेक समस्याएं हैं जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन के लिए हमेशा तत्पर रही। और अभी हम खासकर अपने शिरमौर विधानसभा के जवा ब्लॉक में और सभी ब्लॉकों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए और इस सोई हुई बहरी मोदी सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। लेकिन भाजपा सरकार में भाजपा के मंत्री पूरी तरह से मस्त हैं, ये सब धन आर्जन में लगे हैं, दलाली में लगे हैं, जनता की इनको कोई चिंता नहीं। दूसरी बात, आपने जैसा कहा कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो सिरमौर विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ देखें बेरोजगारी, रोजगार की कोई संभावना दिख नहीं रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कुछ स्टैंड अपनाने जा रही है? कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो आपको ध्यान होगा कि एक बार सिरमौर विधानसभा का जो भौरा क्षेत्र है वहाँ पे कोल कंपनियाँ और वहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए कई प्रयास हुए थे, किंतु जैसे सरकार बदल गई तो वर्तमान में जो भाजपा सरकार है बेरोजगारी पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है, हमारे रीवा जिला में है, और उसके साथ साथ कोई हमारा सिरमौर विधानसभा अछूता तो है नहीं। सिरमौर में रोजगार मूलक, रोजगार उन्मुखी कोई भी कार्यक्रम न तो हमारे क्षेत्र के विधायक जो भाजपा के हैं और ना ही भाजपा सरकार के मंत्री, किसी प्रकार की उनकी कोई चिंता नहीं। हमारे यहाँ बिजली का जनरेशन पावर प्लांट है, उसमें भी स्थानीय लोगों को कोई नौकरी नहीं। हमारे डभौरा में शीशे का बालू बहुत प्रचुर मात्रा में पत्थर पाया जाता है। इस संबंध में जब कांग्रेस की सरकार थी हमने, हम सब साथियों ने, हम सब ने एक ज्ञापन दिया था कि शीशे के बालू से संबंधित उद्योग लगाया जाए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। उस पर बात कुछ होती कि बीच में सरकार खरीद फोड़ करके कांग्रेस की सरकार को गिरवा दिया, जो बहुत ही बड़ा अनैतिक मुद्दा था जो सबके सामने है। इसके बाद कांग्रेस के समय हम लोगों ने क्योटी में जो पावर प्लांट की बात है जो अपने लगा है, इसके लिए पूरा प्रयास किया, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, वहाँ जमीन भी आवंटित हुई, अभी उसकी प्रक्रिया चल रही। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही और सरकार की कहीं रोजगारों के प्रति युवाओं के प्रति कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। इसलिए बेरोजगारी, महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आज वर्तमान में किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। किसान पूरी तरह से एक तो आवारा पशु और जंगली जानवरों की वजह से भी किसान परेशान है और अघोषित बिजली की कटौती, आज धान की फसल का समय चल रहा और बिजली कटौती मुश्किल से किसान को एक दो घंटे बिजली मिल पा रही हो तो बड़ा मुश्किल है।
ऐसी स्थिति में ये पूरी भाजपा सरकार पूरी तरह से असफल है, किसान मजदूर विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, और केवल झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ वादे। इनके यहाँ तो प्रशिक्षण होता है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो तो सच हो जाएगा। और यही मोदी जी से लेके, शिवराज जी से लेके, और हमारे जिले के जो भाजपा के जिम्मेदार लोग हैं, सब सिर्फ जनता को झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, और कहीं भी जनहित का कोई कार्य उनके पास नहीं है, कोई योजना नहीं। ये थे सिरमौर विधानसभा के लोकप्रिय स्थानीय कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता चक्रधर सिंह जवा। इनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के लोग झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। ये यूँ कहे कि झूठ बोलने की फैक्ट्री है। ऐसे ही अहम मुद्दों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सिरमौर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।